गोरखपुर में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर केवल 22 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,637 पहुंच गया। इनमें 19,947 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 332 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 358 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 3 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली में 2, रामगढ़ताल में 2, गोरखनाथ में 1 और शाहपुर और तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 8 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 4 और खोराबार में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 2 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।